वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बिजनेस वर्ल्ड. माई सेल्फ प्रेरणा एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. वेरी हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल माई डियर फ्रेंड्स. टुडे वी आर गोइंग टू कवर पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 1, विच इज़ द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी कोऑर्डिनेशन. लेट्स सपोज गाइज कि आप लोग मेरे घर पर आए. फाइन, मैंने आप लोगों को पिज़्ज़ा दिया. एक पिज़्ज़ा चीज़ पिज़्ज़ा था, एक पिज़्ज़ा ऐसा था जिसके ऊपर चीज़ नहीं था. विच पिज़्ज़ा विल यू प्रेफर? पहली बात तो अगर बिना चीज़ का पिज़्ज़ा दूंगी तो आप मुझे सुनाओगे कि यार बिना चीज़ का पिज़्ज़ा खाता कौन है. विच क्लियरली स्टेट्स दैट कि आप कौन सा पिज़्ज़ा प्रेफर करेंगे जिस पे चीज़ है. रीज़न बीइंग, चीज़ मेक्स योर पिज़्ज़ा टेस्टी, चीज़ मेक्स योर पिज़्ज़ा माउथ वाटरिंग. तो हम क्या कह सकते हैं कि चीज़ इज़ द मेन एसेंस ऑफ द पिज़्ज़ा. मतलब अगर पिज़्ज़ा पे चीज़ नहीं है तो पिज़्ज़ा का कोई मज़ा नहीं होगा. इन द सिमिलर वे कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट. सी गाइस, कोऑर्डिनेशन जो है किसी भी मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन विल लीड्स टू द कोऑपरेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन का फोकस किस पे है? सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर. सिंक्रोनाइजेशन किस चीज़ का? एक्टिविटीज़ का. ठीक है, डिपार्टमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप करने पे फोकस है किसका? कोऑर्डिनेशन का. सी, अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वेकेंट बैठा है. क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस. तो क्या होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट इमीडिएटली फाइनेंस प्रोवाइड करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल सून स्टार्ट द प्रोडक्शन. फाइन, सो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट बिकॉज इट विल अल्टीमेटली ले डाउन द फोकस अपॉन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स दैट एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन ने कहा, तुमने ये तो समझ लिया कि कोऑर्डिनेशन क्या है, क्या तुम ये जानते हो कि मैं एसेंस क्यों हूँ? उसने सबसे पहला रीज़न दिया अपने एसेंस होने का, बिकॉज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. सी गाइज, ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये लीफ है जो लीफ मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है. आप एक सिचुएशन लेकर चलो जहाँ पे मैंने आपको एक फ्लावर दिया जिसमें सिर्फ एक लीफ है, बाकी कुछ भी नहीं. क्या वो फ्लावर आपके लिए यूज़ का होगा? नहीं होगा. पेटल्स मेक अ फ्लावर यूजफुल फॉर यू, पेटल्स मेक अ फ्लावर अट्रैक्टिव फॉर यू, एंड सिमिलर इज़ द केस विद दिस फ्लावर. मैनेजमेंट के लिए ऑल दीज पेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज ये पेटल्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? द फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट विल अल्टीमेटली मेक द मैनेजमेंट सक्सेसफुल, राइट? अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की. कोऑर्डिनेशन हेयर बाय इज एक्टिंग एज अ रिसेप्टर. फाइन, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सी, लेट्स टेक अ सिचुएशन जहाँ आपके पास एक फ्लावर तो मैंने आपको दिया बट उसके अंदर रिसेप्टर नहीं है जो उसको बाइंड करके रखता है. अल्टीमेटली क्या होगा? पेटल्स सारे बिखर जाएंगे. इन द सिमिलर वे कोऑर्डिनेशन हेयर बाय इज एक्टिंग एज द रिसेप्टर विच बाइंड्स ऑल दीज पेटल्स विच इज एक्टिंग एज अ मोड टू मेक द सक्सेसफुल वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन, सो द वेरी फर्स्ट रीजन वाई वी आर कंसिडरिंग कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट बिकॉज इट इंश्योर दैट ऑल द फाइव इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टेक्स प्लेस इन अ सीक्वेंशियल मैनर एंड मस्ट कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. कोऑर्डिनेशन ने कहा, आई एम द एसेंस फॉर द मैनेजमेंट बिकॉज आई एम परवेसिव. परवेसिव का मीनिंग हम लोगों ने पहले भी समझा, समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल, समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर. फाइन, सी वी हैव थ्री डिफरेंट लेवल्स इन द मैनेजमेंट, दैट इज़ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. मान लीजिए टॉप लेवल मिडिल लेवल तो कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, बट मान लो कोई एक ऐसा लेवल है जो कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर रहा, जिसकी एक्टिविटीज़ ही कोऑर्डिनेटेड नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, तो क्या मैनेजमेंट सक्सेसफुल होगा? नो. इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो हमें हर लेवल पे चाहिए. इट इज़ परवेसिव इन द नेचर, दैट इज़ वाई इट इज़ द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट. फाइन, कोऑर्डिनेशन ने कहा, चलो मुझे समझो कि मैं क्यों एक एसेंस हूँ मैनेजमेंट का. फाइन, लॉन्ग टर्म सक्सेस. फाइन, कोऑर्डिनेशन ने कहा, मान लो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, स्टॉक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट. फाइन, कोऑर्डिनेशन ने कहा, मैं इंश्योर करता हूँ कि ये सब डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखें. फाइनेंस वाला स्टॉक वाले के साथ अगर रिलेशनशिप रखता है तो वो उससे क्या कहेगा कि भाई रॉ मटेरियल ना हो तो मंगा लियो, मेरे से पैसा ले लियो, इनफ मनी है.
स्टॉक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ अगर अपनी एक्टिविटीज़ को रिलेट कर सिंक्रोनाइज कर चल रहा है तो वो उससे क्या कहेगा कि भाई खाली मत बैठियो, इनफ रॉ मटेरियल है, प्रोड्यूस कर। इन द सिमिलर वे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स वाले से कहेगा मेरे पास इनफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड हैं, तो जितना मर्जी चाहे उतना सेल कर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन ने क्या किया, इन सभी की एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज किया। फाइन, ये सभी के सभी डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, वीकली अपनी रिपोर्ट मैनेजर को प्रेजेंट कर रहे हैं। जब मिडल लेवल एंड टॉप लेवल मिलकर काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है एक्टिविटीज़ को, उससे क्या होगा, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट यहाँ पर एमर्ज्ड आउट होगा। ऑर्डरली अरेंजमेंट मतलब एक ऑर्डर में हमारी मैनेजमेंट में काम होगा, दैट विल अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वॉट द एफिशियंसी मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द इफेक्टिवनेस विच बेसिकली मीन्स द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द टास्क एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू द टाइमली गोल अचीवमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशन टाइमली गोल अचीव कर रहा है देन इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमने इन तीन चीज़ों से सीखा कि क्यों हम कोऑर्डिनेशन को एसेंस कह रहे हैं हमारे मैनेजमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इम्पॉर्टेंस, एडवांटेज और नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन। सी, द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज इट मिनिमाइजेज द फंक्शनल डिफरेंसेज। सी, एज वी ऑल नो दैट इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन लेड ऑन द फोकस अपॉन द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटी। वो इंश्योर करता है कि हर डिपार्टमेंट मिलकर काम करे, तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, फंक्शनल डिफरेंसेज को रिड्यूस कर रहा है। कैसे, कोऑर्डिनेशन को प्रमोट कर। अनदर इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इज टू प्रमोट द लॉन्ग टर्म सक्सेस। जैसा कि हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन का फोकस किस पे है, फंक्शनल डिफरेंसेस को रिमूव करने पे। जब हर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है तो अभी हमने क्या कहा था, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट जनरेट होगा। वो ऑर्डरली अरेंजमेंट क्या करेगा, एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करेगा, तो अल्टीमेटली टाइमली गोल्स अचीव होंगे। और जब टाइमली गोल्स अचीवमेंट होगा तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म सक्सेस होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। फाइन, स्पेशलाइजेशन। सी, मैंने एग्जाम्पल लिखा MBA एंड CA। एक ऑर्गेनाइजेशन में MBA भी होगा, एक CA भी होगा। यहाँ स्पेशलाइजेशन डिनोट कर रहा है एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा डिपार्टमेंट विच इज़ स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर सेक्टर। फाइन, MBA वाला एक डिसीजन लेगा, उसको लगेगा मैं तो 200% सही हूँ। CA वाला लेगा कोई डिसीजन, उसको लगेगा मैं तो 300% सही हूँ। MBA वाला क्या कहेगा CA वाले से, तूने मेरे डिसीजन को चैलेंज कैसे किया। CA वाला कहेगा तूने मेरे डिसीजन को कैसे चैलेंज किया। तो कोऑर्डिनेशन क्या कहता है, भाई झगड़ो मत, एक काम करो, मिलकर काम कर लो, ठीक है, मिलकर डिसीजन ले लो। तो अल्टीमेटली होगा क्या, जो भी हमारे कन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो भी हमारा केओस क्रिएट होगा, वो अवॉइड करने में हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन। इसीलिए भी कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट है। अनदर रीज़न वाई वी आर सेइंग कि कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, फेसिलिटेट्स द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोगों ने बोला कि कोऑर्डिनेशन एक्ट एज अ रिसेप्टर, जो कि पांच पेटल्स, जो कि पांच फंक्शंस डिनोट कर रही हैं मैनेजमेंट की, उनको बाइंड कर रखेगा और इंश्योर करेगा सब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करें। लास्ट इज प्रमोट द ग्रुप एफर्ट्स बाय सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स कि ग्रुप एफर्ट्स प्रमोट किए जाएं ऑर्गेनाइजेशन में, हर कोई मिलकर काम करे। फाइन, अब एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि व्हाई वी आर स्टेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स एज द एडवांटेज और द नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन एज वेल, राइट। देखो यार, मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट क्योंकि वो फंक्शनल डिफरेंसेस को रिमूव करता है। लेट सपोज मैं आपसे कहती हूँ मुझे ना एक एडवांटेज बताओ यार कोऑर्डिनेशन का, तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि एक एडवांटेज उसका ये है कि वो फंक्शनल डिफरेंशिएशन को रिमूव कर रहा है। मैं आपसे कहती हूँ चलो एक और बता दो, तो आप क्या कह सकते हो कि ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम कंसिडर देयर डिसीजन टू बी द सुपीरियर। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, उन कन्फ्लिक्ट्स और केओस को कम करता है, मतलब कि ये भी कहीं ना कहीं एक एडवांटेज हो गया। तो अल्टीमेटली ऑल दीज पॉइंट्स आर द एडवांटेज ऑफ द कोऑर्डिनेशन एज वेल एज द नीड एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन।
अब मुझे नहीं पता कि आपके माइंड में यह क्वेश्चन आया होगा या नहीं, बट मैंने यहाँ पर पॉइंट नंबर सेकंड एंड फोर्थ को हाईलाइट किया है। रीज़न बीइंग मैंने यही तो बोला एसेंस में और ये भी बोला एसेंस में, तो फिर मैंने इम्पोर्टेंस, एडवांटेज और नीड में क्यों डाला? ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पिज़्ज़ा अगैन। लेट सपोज कि मैंने बोला कि चीज़ इज़ द एसेंस फॉर अ पिज़्ज़ा। रीज़न बीइंग वो उसको टेस्ट दे रहा है, वो उसको माउथ वाटरिंग बना रहा है। ठीक है, अब मैं ये बोलूँ कि यार मुझे एक बात बताओ कि चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है पिज़्ज़ा के लिए, तो आप क्या कहोगे कि वो उसको टेस्ट देता है, वो उसको माउथ वाटरिंग बनाता है, उसकी लुक्स को बहुत अट्रैक्टिव करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से डिराइव किया कि ऑल द एसेंस, मतलब ऑल द रीजंस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट कैन बी द रीज़न टू मेक द कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट। फाइन, ये मतलब जो रीजंस एसेंस बना रहे हैं कोऑर्डिनेशन को, वही सब फैक्टर्स, वही सब रीज़न उसका एक एडवांटेज हो सकता है, उसकी एक नीड को रिप्रेजेंट कर सकता है या उसकी एक इम्पोर्टेंस भी हो सकता है। सो फ्रॉम आवर टुडेज डिस्कशन वी कैन क्लियरली कंक्लूड दैट द कोऑर्डिनेशन विल अल्टीमेटली हेल्प द मैनेजमेंट टू हैव विक्ट्री। Victory hereby is represented with the help of a trophy, and that trophy of victory for any organization or for the management is long-term success, long-term growth, profit maximization, and the goal achievement. If you like my video, please do like, share, and subscribe. Thank you all.